हेलो स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ आपका लेसन है दी सरमन एट बनारस। ये होता क्या है सरमन, देखना आप पढ़ोगे इसमें। व्हाट इज ए सरमन, ये सरमन क्या होता है। इज इट डिफरेंट फ्रॉम ए लेक्चर और ए टॉक, क्या ये एक लेक्चर और एक बातचीत से अलग होता है। कैन दिस वर्ड आल्सो बी यूज्ड इन ए नेगेटिव वे और एज ए जोक, क्या ये वर्ड एक नकारात्मक तरीके से यूज किया जाता है या फिर एक जोक के तौर पर। माई मदर सरमन अबाउट गेटिंग माई वर्क डन ऑन टाइम, मेरी माँ का जो उपदेश था वो समय पर काम करने का, ठीक है, एक उपदेश होता है बड़े लोगों का, ठीक है। फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स, ठीक है। हैव यू हर्ड ऑफ द सरमन ऑन द माउंट, हु डिलीवर्ड इट, व्हाट डू यू, हु डू यू थिंक डिलीवर्ड ए सरमन एट बनारस, और आप क्या सोचते हैं सर बनारस में किसने उपदेश दिया था, ठीक है। ये एक उपदेश होता है, इनकी धार्मिक बातें होती है इसके अंदर ज़्यादातर, ठीक है। धार्मिक और मतलब जीवन से रिलेटेड बातें होती है उपदेश के अंदर, अपना जीवन किस तरीके से अच्छे मतलब बढ़िया तरीके से जीवन को कैसे बिना चिंताओं के बिना परेशानियों के हम अपना जीवन किस तरीके से बिता सकते हैं, वो सारी बातें एक वो सारी बातों का एक सार होता है वो उपदेश, ठीक है। सरमन, उसको सरमन कहा जाता है। गौतम बुद्ध 563 BC और 483 BC तक थे, ये तिथियाँ थी वो उल्टी चलती थी एक बार उसमें, ठीक है। ये ऐसा टाइम भी आया था। बिगेन लाइफ एज ए प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम, सिद्धार्थ गौतम के नाम से उसने अपना जीवन शुरू किया था, ठीक है। इनकी शुरू में ही सिद्धार्थ गौतम थे। इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी इंडिया के अंदर थे, उत्तर भारत में था। एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी ए प्रिंसेस, और 12 साल की उम्र में इसको स्कूल के लिए भेज दिया गया था, ठीक है। पहले आश्रम वगैरह होते थे, ऋषियों के आश्रम, उनमें बच्चे पढ़ाई करते थे तो वहीं रह के पढ़ाई करते थे, जितने भी साल पढ़ाई करते वहीं रहते थे वो, और हिंदू स्क्रिप्चर्स, हिंदू के जो हिंदू के पवित्र ग्रंथ हैं उनको पढ़ने के लिए भेज दिया गया था। एंड फोर, उसके बाद क्या होता है, एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी ए प्रिंसेस, और 4 साल के बाद वो एक जब वो लौटता है तो एक प्रिंसेस से शादी कर लेता है, राजकुमारी से। दे हैड ए सन एंड लिव फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी, और उनके एक बेटा भी था, उनका एक बेटा हुआ और वो 10 साल तक एक रॉयल्टी यानी कि बढ़िया तरीके से सही तरीके से जीवन यापन कर रहे थे वो। एट अबाउट द एज ऑफ 25 25 साल की उम्र में द प्रिंस हियर टू फोर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, तो जो राजकुमार था उसका जीवन के दुखों से सामना हो जाता है जब वो 25 साल का होता है, उससे पहले उसको नहीं पता दुख क्या होते हैं। वाइल्ड आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन ए सिक मैन, जब वो शिकार के लिए जाता है तो उसके सामने एक बीमार आदमी आता है। देन एन एज्ड मैन, और उसके बाद एक बूढ़ा व्यक्ति आता है। देन ए फ्यूनरल प्रोसेसन, और तब एक अंतिम संस्कार के लिए जो यात्रा की जाती है, अंतिम यात्रा वो होती है। एंड फाइनली मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, और आखिरकार में एक भिक्षा भिक्षुक था वो भिक्षा मांग रहा होता है, यानी कि ये सभी चीज़ें उसने अपने बचपन से कभी देखी नहीं थी, ठीक है। उन दुखों से सब चीज़ों से वो दूर रहता था। दीज साइट्स सो मूव्ड हिम दैट ही हैड एट वंस वेंट आउट इन टू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट कंसर्निंग द सोरोज ही हैड विटनेस्ड, और ये इन सब चीज़ों ने उसको इतना हिला दिया अंदर तक कि संसार है वो क्या है, आंतरिक रोशनी पाने के लिए वो चला जाता है, उस दुखों को छोड़ देता है, ठीक है, इस दुख भरे संसार से छोड़ देता है इसको, और वो सब चीज़ों को त्याग कर देता है। ही वांडर्ड फॉर 7 years और 7 साल तक वो ऐसे ही घूमते रहते हैं। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, और आखिरकार में वो एक पीपल के वृक्ष पर, बो ट्री भी कहा जाता है इसको, बो ट्री इनकी एक पीपल का वृक्ष होता है, या फिर उसके नीचे वो बैठ जाता है, ठीक है। वेयर ही वोड, किसी किसी के में बो ट्री दे रखा है, जैसे कि वट वृक्ष, ठीक है, वो दे रखा है, ठीक है, मतलब एक ही कैटेगरी के होते हैं ये पीपल वट वृक्ष वगैरह, ठीक है, बहुत पवित्र वृक्ष होते हैं ये।
वेयर ही वोड टू स्टे। हिंदू इनकी हिंदू लोग इनको बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं, और वैसे भी ये मतलब ऑक्सीजन रिलीज अगर करते हैं रात को भी तो ये ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं, तो इसलिए इनको अच्छे मान जाता है। वेयर ही वोड टू स्टे अनटिल एनलाइटनमेंट केम, और वो वहाँ तब तक रहा जब तक उसको रोशनी प्राप्त नहीं हो गई, ठीक है, ज्ञान प्राप्त नहीं हो गया, मतलब रोशनी कह दो या ज्ञान कह दो। एनलाइटन्ड आफ्टर 7 डेज, 7 दिन के बाद जब उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, ही रिनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, और उसने उस वृक्ष का नाम क्या रख दिया, बोधि वृक्ष, ट्री ऑफ विजडम यानी कि ज्ञान का पेड़। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और उसने पढ़ाना शुरू कर दिया और अपनी इनकी जो उसने सीखा था ना वो सिखाना शुरू कर दिया, और अपनी जो उसने नया ज्ञान प्राप्त किया था वो अपना बांटना शुरू कर दिया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्ध, और इस समय तक उसको बुद्ध के नाम से जाना जाता था। द अवेकंड फॉर द एनलाइटन्ड, ठीक है, जागरूक या फिर ज्ञान प्राप्त व्यक्ति या फिर रोशनी, ठीक है। द बुद्ध प्रीच्ड हिज सरमन, हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश था, वो सरमन जो उपदेश था वो कहाँ दिया था, बनारस के एक शहर में, ठीक है, बनारस शहर में। मोस्ट होली ऑफ द डीपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा, और सबसे ज़्यादा पवित्र माने जाने वाली है ये गंगा नदी के आसपास, ठीक है, गंगा नदी है यहाँ, सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है इस शहर को, एक काशी नाम भी है इसका। दैट सरमन हैज़ बीन रिजर्व एंड इज गिवन हियर, और उसका जो सरमन था उसको क्या कर लिया गया था, संरक्षित कर लिया गया था, सुरक्षित कर लिया गया था, ठीक है, और उसको उसका एक अंश है वो यहाँ दिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्ध विजडम अबाउट वन इनस्क्रेटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, यानी कि ऐसा एक दुख, ये बुद्ध की जो ज्ञान है, बुद्ध की जो बुद्धिमत्ता है वो इसके अंदर दिखाई देती है, यानी कि एक ऐसा दुख था जिसको समझा नहीं जा सकता, उस दुख के बारे में ये उसके ऊपर प्रकाश डालता है। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन, ये किसा गौतमी होती है कोई औरत है जिसका एकमात्र बेटा था, ठीक है, एंड ही डाइड, और वो मर जाता है। इन हर ग्रीफ सी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, और दुख के अंदर वो एकदम पागल हो जाती है और अपने बच्चे को कहाँ, सभी पड़ोसियों के पास ले जाती है। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और उनसे क्या पूछती है, दवाई पूछती है। एंड द पीपल सैड, और लोग कहते हैं सी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज़ डेड, और लोग क्या कहते हैं उसको, क्यों पागल हो गई, उसने अपना वो बच्चा है वो मर चुका है, उसका लड़का है वो मर चुका है। एट लेंथ की सा गौतमी मैट ए मैन हु रिप्लाई टू हर रिक्वेस्ट, थोड़ी देर बाद क्या करते हैं कि किसा गौतमी एक व्यक्ति से मिलते हैं जो उसके किशन का जो उसकी जो रिक्वेस्ट होती है उसका जवाब देता है। आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे के लिए कोई मेडिसिन नहीं दे सकता। बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन, परंतु मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ जो कि ऐसा कर सकता है। एंड द गर्ल सैड प्रे टेल मी सर हु इज इट, और लड़की कहती है कि कृपया करके मुझे बताओ वो कौन है, कहाँ है। एंड द मैन रिप्लाइड, और आदमी है वो उसको जवाब देता है, गो टू साक्य मुनि द बुद्ध, और साक्य मुनि बुद्ध के पास जाओ, ठीक है, ये शैल्य मुनि भी दे रखे हैं इसने, साक्य मुनि दे दी। किसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्ध एंड क्राइड, और किसा गौतमी है वो बुद्ध के पास जाती है और चिल्लाती है, रोती है, लॉर्ड एंड मास्टर, मेरे भगवान और मालिक, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई चाइल्ड, मुझे वो दवाई दे दो जिससे मेरा बच्चा ठीक हो जाए। द बुद्ध आंसर्ड, बुद्ध ने जवाब दिया, आई वॉन्ट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज चाहिए। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस टू प्रोक्योर इट, और लड़की है वो खुशी से उससे बुद्ध से वादा कर लेती है कि हाँ मैं जरूर ला दूंगी। द बुद्ध एडेड, बुद्ध ने एक बात और जोड़ी उसके अंदर, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट ए चाइल्ड, और सरसों के बीज किसी ऐसे घर से होने चाहिए जहाँ किसी ने अपना बच्चा, ठीक है, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड, अपना पति, अपने माता पिता या फिर अपने दोस्त को ना खोया हो। पुअर किसा गोतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस,
अब बेचारे की सगोत्मी एक घर से दूसरे घर जाती है, एंड द पीपल पीटीड हर एंड सेड, और लोग उसके ऊपर दया करते हैं और कहते हैं हियर इज मस्टर्ड सीड, यहाँ कहते हैं कि यहाँ क्या है, मस्टर्ड सीड है, सरसों के बीजे, टेक इट ले जाओ। बट व्हेन सी आस्क डिड ए सन और डॉटर, ए फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या तुम्हारे परिवार में कोई बेटी पिता माता मरा है, दे आंसर्ड हर, वो उसको क्या जवाब देते हैं, अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी, तो क्या जवाब देते हैं उसको, तो जीने वाले तो कम है लेकिन मरने वाले ज़्यादा हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमें हमारे गहरे दुखों की याद मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, लेकिन वो कहते हैं कि और कोई ऐसा घर नहीं है जिसके अंदर किसी का प्यारा ना मरा हो। किसा गौतमी बिकेम वीरी एंड होपलेस, किसा गौतमी है वो क्या होती है, बेचारी थक जाती है और उम्मीद रहित हो जाती है। एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और रास्ते पर बैठ जाती है और शहर की जो रोशनी होती है वो देखती है, एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, क्योंकि वो एक बार जल उठती है और फिर वापस से बुझ जाती है। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रिजेंट एवरीवेयर, और आखिर में अंधेरे का साम्राज्य हर जगह होता है। एंड सी कंसिडर द फेट ऑफ मैन, और वो समझ जाती हैं आदमी का जो भाग्य होता है वो समझ जाती हैं। एंड देयर लीव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और कहते हैं कि जो लाइव्स यानी कि जीवन होते हैं वो फिर क्या होता है, एक बार जीवन की लौ जलती है और फिर बुझ जाती है। एंड सी थॉट टू हर सेल्फ, और वो अपने आप को अपने बारे में सोचती, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, और मैं अपने दुख के अंदर कितनी ज़्यादा क्या हूँ, सेल्फिश हूँ, ठीक है, स्वार्थी हूँ। डेथ इज कॉमन टू ऑल, डेथ मृत्यु सबको आनी है, येट इन दिस वैली ऑफ डेजोलेशन देर इज ए पाथ दैट लीड्स हिम टू इमोर्टलिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। वैली ऑफ डेजोलेशन होता है एन एरिया विच इज फील्ड विद डीप सोरो, इनकी बहुत दुख भरा होता है, यानी कि धरती है संसार है, ये क्या है, दुखों का एक तरह से घर है। तो कहते कि इस दुख भरे संसार के अंदर एक ऐसा भी रास्ता होता है जो आपको नश्वरता की तरफ, अनश्वरता की तरफ ले जाता है, ठीक है। नश्वर होता है ख़त्म होने वाला, और अनश्वर होता है जो कभी ख़त्म ना हो सके। हु हैज़ सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, जिसके आगे हमारी जो स्वार्थ, पूरा जो स्वार्थ हमारा वो जवाब दे जाता है, झुक जाता है। द बुद्ध सेड द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड, और जो लोग नश्वर लोगों का जीवन क्या है इस संसार के अंदर, परेशानियों से भरा है, एंड ब्रीफ और छोटा भी है, एंड कंबाइंड विद पेन, और इसके साथ दुख भी है। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग, और इसका अभिप्राय ये नहीं है कि जो व्यक्ति पैदा हुआ है वो मृत्यु से बच जाए। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, यानी कि बुढ़ापे तक, देर इज डेथ, मृत्यु अवश्य है। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बींग्स, और जो जीवित लोग हैं उनका ये एक प्रकृति है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, और जो पके हुए फ्रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, गिरने के डर, गिरने का हमेशा उनको डर रहता है। सो मोर्टल्स वर वैन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, इसलिए जो मोर्टल्स हैं वो क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, किस में होते हैं, मृत्यु के डर से हमेशा खतरे में रहते हैं। एज ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाई द पोटर एंड इन बींग ब्रोकन, जैसे कि कुम्हार के बनाए हुए सारे घड़े आखिर में टूट जाते हैं, जितने भी बर्तन बनाता है वो टूटते तो हैं ही। सो इज द लाइफ ऑफ मोर्टल्स, और इसी तरह मनुष्य का जीवन है, ठीक है, जो नश्वर लोग हैं, नश्वर के मोर्टल्स मतलब नश्वर, बोथ यंग एंड एडल्ट, जो भी छोटे हैं और जवान हैं, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज आर वाइज, जो भी मूर्ख हैं और जो भी बुद्धिमान हैं, आर फॉल इन टू द पावर ऑफ डेथ, सभी क्या करेंगे, मृत्यु के हाथों के अंदर है, सभी मृत्यु के हाथों के अंदर है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, और सभी की क्या है, सभी की मृत्यु आनी है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाई डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन, और ये कहता है कि जिनको मृत्यु पर विजय पानी है वो अपने जीवन से अलग होना पड़ता है उनको, ठीक है। एक पिता अपने बच्चे का, बेटे का जिंदगी बचा नहीं सकता, नोर किन्समैन देयर रिलेशंस, और ना ही उनके संबंधी और रिश्तेदार। मार्क
वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, और देखो कि जब रिश्तेदार होते हैं वो देखते रहते हैं और गहरा दुख होता है. वन बाई वन मोर्टल्स आर कैरिड ऑफ, एक एक करके सभी चले जाते हैं. लाइक एन ओक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, एक ऐसे बैल की भांति जिसको कसाई खाने में जरूर जाना है. सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिकी, इसलिए संसार है वो क्या है, मृत्यु से और जो नष्ट होने वाले मृत्यु, इनकी मृत्यु जरूरी है इसके अंदर, और क्षय. ठीक है, डीके का मतलब है क्षय हो जाता है, मृत्यु भी होती है और क्षय भी. देर फोर द वाइज डू नॉट ग्रीव, इसलिए बुद्धिमान लोग दुख नहीं करते. नोविंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार की इन बातों को जानते हुए. नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, और ना ही वो रोते हैं ना ही वो दुख मनाते हैं, और जो मानसिक शांति के लिए. ऑन द कंट्रेरी हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर, और इसके विपरीत क्या होता है कि उसके बहुत ज़्यादा दुख होता है उनको, और उनकी बॉडी जो शरीर है वो सहन करेगा. ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, क्या करते हैं वो, यानी कि वो उनको दुख नहीं मनाना चाहिए बल्कि वो क्या करते हैं इसके विपरीत, वो उनको मतलब उनको शांति से रहना चाहिए बल्कि वो इसके विपरीत क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा दुख मानते हैं. जब कोई उनके घर से चला जाता है तो वो बहुत ज़्यादा दुख मानते हैं और अपने आप को क्या कर लेते, बीमार और पीला बना लेते हैं. येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाई हिज लेमेंटेशन, ये कहता है कि जबकि उनके दुख मनाने से डेड होते हैं वो बचते नहीं हैं, मृत्यु जिनको मृत्यु आती है वो बचते नहीं हैं. ही हु सीक्स पीस शुड ड्रा आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, जो कि शांति से रहता है, इनकी शांत भावना से रहता है, वो क्या होता है इस पश्चाताप के तीर से बच जाता है. एंड कंप्लेंट, और शिकायतों से, एंड ग्रीफ और दुख से. ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो, और जो भी इस तीर को निकाल लेता है, एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, और अपने दिमाग की शांति पा लेता है फिर वो व्यक्ति. ठीक है, ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरो, जो अपने सभी दुखों पर आजा विजय पा ले, विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो, और दुखों से आज़ाद हो जाता है. एंड बी ब्लेस्ड, और उसको एक तरह से आशीर्वाद भी मिल जाता है, और वो इनकी खुशी खुशी रहता है.